जय हिंद। विश्व का सर्वाधिक युवा वाला देश भारत है। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि भारत युवा शक्ति से संपन्न है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दुख इस बात के कारण है कि भारतीय युवाओं में संवेदनात्मक मादक पदार्थ यानी कि नशीले पदार्थों के सेवन का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो है ये दुखद भी विषय है कि ज्यादा युवा वाला देश तो है भारत, लेकिन भारतीय युवा ज्यादातर नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ रहे हैं और उनको इस नशीले पदार्थ की गिरफ्त में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उनका संगत। हाँ, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जान। संगत के कारण ही जो युवा नशा से उनका कोई संबंध नहीं है वो भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। और नशा के प्रति आपको अट्रैक्ट करने वाले जो लोग हैं वो कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं, वो हम ही लोगों के परिवेश के हैं। इसलिए जितना संभव हो सके युवाओं को नशा से बचने का प्रयास करना चाहिए और वैसे लोग जो इसके आदि बन चुके हैं, जिनको नशा करने का लत लग चुका है, उनसे दूरी बना करके रहना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं समाज में कि जो नशा करने वाले लोग हैं अपने बचाव के पक्ष में बड़े बड़े लॉजिक देते हैं, बड़े बड़े तर्क देते हैं। जैसे हमने सुना है कोई कह रहा था कि, और वो व्यक्ति इसलिए कह रहा था कि वो सिगरेट पीता था, वो कह रहा है कि सिगरेट तो नेहरू जी भी पिया करते थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वो स्टालिन तो शराब पीता था। तो आप कहिए उनसे कि स्टालिन तो नाली का पानी भी पीता था, हमने पढ़ा है, पीजिएगा आप नाली का पानी। तो ऐसे लोगों से ऐसे तर्क देकर के आप उनसे दूरी बनाए रखिए, तो ही जाकर के आप अपने आप को इस परिवेश से बचा पाएंगे। जय हिंद।